ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੁਖਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਲਾਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BSF ਦੀ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। सर आज जो फोरम रखा है इसके बारे में सर जानकारी देंगे। ये जैसा कि सबको विदित है, ये हम पूरा देश हमारा पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मना रहा है और ये उसी समारोह के सम्मान में उसी समारोह के सिलसिले में एक आयोजन था, जहां पूरी बटालियन 66 बटालियन BSF के संपूर्ण परिवार ने वाहिनी परिवार ने मिलकर इकट्ठा इसको अपने लिहाज से इस उमंग को उल्लास को जीने की और मनाने की कोशिश की है। सर ये प्रोग्राम 15 अगस्त तक चलेंगे, रेगुलर हर कैंप में चलेंगे BSF के? हाँ, ये हर जगह चल रहा है और हमारे यहाँ भी पिछले 2 तारीख से ये लगातार काम जारी है और ये 15 तारीख तक लगातार चलता रहेगा। वाहिनी कैंपस में सीमावर्ती इलाके में बॉर्डर के ऊपर हमने इसमें सीमा में हमारे इलाके में पड़ने वाले जितने भी गांव हैं उनको लोगों को भी हमने इसमें उनको प्रोत्साहित किया, उनका हमने आह्वान किया, उनको हमने बताया इसके विषय में और सब मिलजुल करके हम सब पूरे उल्लास उमंग और खुशी के साथ अपने देश की आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सर भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतवासियों के लिए यह तिरंगा विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा झंडा ऊँचा रहे हमारा, इसी शपथ इसी उल्लास इस सम्मान के साथ अपने झंडे के लिए अपने देश की आन बान और शान के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हम सबको रहना चाहिए। हमारा देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले देश, उसके बाद हम।